तो स्वागत है मेरे चैनल फ्लाइंग ब्यूटी पिजन में। तो भाइयों, आज आपको शौक करवाने जा रहा हूँ अपने फ्लाइंग लॉफ्ट का। जो मेल फीमेल हमारे अलग हैं और जो उड़ाने वाले कबूतर जिसमें हमने रखे हुए हैं, तो आइए आपको दिखा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो होने वाली है जिसमें आपको हम अपना लॉफ्ट दिखाएंगे। आइए चलिए। तो भाइयों, ये अपना जाल, यहाँ से एंट्री है। और उससे पहले आप साइडों में छत देख लीजिए, हमारी छत बाकी छतों से नीचे है काफ़ी, और उसके बावजूद भी हम यहीं से उड़ाते हैं और यहीं उतरते हैं अपने सारे कबूतर। देख लीजिए, आज छोड़ भी रखी हैं कुछ माती ने, ये उड़ रही हैं। ये सुबह 10 बजे छोड़ी थी, आज मतलब दूसरी बार ही खुली है माती ने। देखते हैं कितने बजे उतरेंगी। बाकी देखो, ये टुकड़ी बनाना भी शुरू करी है इन्होंने, दूसरी बार खुली है आज ये माती ने हमारी। चलिए, ये तो उड़ती रहेंगी, हम दिखाते हैं आपको अंदर से अपना लॉफ्ट। आइए, यहाँ से एंट्री है भाई, ठीक है। और ये जो अंदर का लॉफ्ट है, ये भाई हमने सिंगल रखा हुआ है, पूरा सिंगल, ताकि भाई कबूतरों को दिक्कत ना हो। बीच में पार्टीशन भी कर सकता था मैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि कबूतरों को थोड़े खुले में ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि नीचे वाले दड़ भी अपने जैसे चार चार फुट की हाइट पे हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं पार्टीशन कर देता तो काफ़ी खिचबिच हो जाती, उसमें मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने खुला ही करवाया, जिससे क्या होता है कि एक दिन मैं नर खोल देता हूँ, एक दिन मादी ने खोल देता हूँ, इस हिसाब से हम कबूतर खोलते हैं, ठीक है। तो आ जाइए भाई अंदर, आ जाइए दिखाते हैं। तो भाई, ये हमारा जाल है, अंदर से येलो कलर कर रखा भाई मैंने। ये हमने पर्ची लगा रखी है, देखिए ये फट्टे लगा रखे हैं बिल्कुल सीधे, ठीक है। बैठने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है ये, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इनमें। बल्ब लगा रखा है, बल्ब की भी तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ी, अक्टूबर में देखेंगे लाइट मरकरी वगैरह ही चलेगी वो तो, ठीक है। और भाई, ये हमारी ऊपर हमने स्लाइडिंग डोर बना रखा है, दिखा देता हूँ मैं आपको। वैसे तो ऊपर चढ़ के खोलना पड़ता है, पर मैं यहीं से आपको खोल के दिखा देता हूँ कि भाई मैं तो यहीं से यहाँ डंडे से इसको खोल देता हूँ, ठीक है। मेरे कबूतर सीधा जाल पे उतरते हैं और जाल से यहाँ पे सीधा नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और फिर हम यहीं से डंडे से बंद कर देते हैं इसको जब मेरे कबूतर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ हुक लगा हुआ है लॉक लगाने के लिए, वहाँ पे ताला लग जाता है रात को, ठीक है। और देखिए भाई, ये स्पेस है यहाँ पे शाम को दाना खिलाने के लिए, यहाँ पे मैं दाना खिलाता हूँ शाम को। दड़बों के अंदर मैं दाना नहीं खिलाता भाई, हालांकि क्योंकि दड़बों के अंदर दाना खिलाने से एक प्रॉब्लम मैंने ये फेस करी है कि ये प्रॉब्लम आती है कि जब, हालांकि मैंने दड़बे जिस हिसाब से बना रखे हैं, मेरा कोई भी कबूतर गंदा दाना नहीं खा सकता, पर ये है फिर भी ये प्रॉब्लम आती है कि दाना जो होता है ना, देखा जाए तो प्लांट्स लिविंग थिंग ही होते हैं, तो उनमें से भपका निकलता है, तो गैस बनती है, बीट में पड़े रहते हैं, ये सब चीज़ों से ना काफ़ी नुकसान होता है, तो मैं अंदर दाना बिल्कुल भी नहीं खिलाता। आइए आपको एक एक करके मेल और फीमेल के दड़बों का शौक करवाता हूँ। तो ये है भाई हमारा मेल का दड़बा, इसमें भाई देखिए, ये भाई मेल्स हैं। आइए भाई अंदर ले दिखाइए एक बारी, ये भाई मेल्स हैं, ये हमने ड्रिंकर रखा हुआ है, और ये मेल्स हैं हमारे सारे, ड्रिंकर है। और भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं, ये जाली लगा रखी है हमने, देखिए नीचे फ्रेम बनवा के ये हमने 4 इंच उठवा रखा है और जाली लगा रखी है, जिससे हर कबूतर के, मेरे हर कबूतर के पैर देखिए कितने साफ हैं, साफ सुथरे रहते हैं, हमेशा बीमारी से बचे रहते हैं, ठीक है। और ड्रिंकर रखा रहता है 24 घंटे, भाई गर्मी आ गई है तो पानी पिलाना। पर्च का तरीका देखिए भाई, लोग बाग पर्च लगा देते हैं, देखिए भाई जो बनवाते हैं ना पट्टियाँ, वो सीधी लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, उससे क्या होता है कि एक तो जगह ज़्यादा घेरती है, कबूतर लड़ता है बैठता है, उससे बाजू टूटने की दिक्कत रहती है, ठीक है। जो ये वाली पर्च है ना, कभी भी इस तरीके से पर्च को लगाइए, देखिए जैसे बाहर ही लगी हुई है, आप अंदर छोड़िए, आप ये देखिए बाहर लगी हुई है, इस पर कबूतर छाती टेक के बैठेगा, ठीक है, बिल्कुल छाती टेक के बैठता है, लड़ता झगड़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कबूतर हमेशा, अगर आप लंबी पर्च बिठाएंगे, कबूतर पर्च पे कभी भी सीधा नहीं बैठता, हमेशा टेढ़ा ही बैठता है, तो टेढ़ी में लंबी कर दीजिए आप पर्च, अगर ये मतलब ऐसी फटिया बनाते हैं, स्टैंड बना रहे हैं। पर्च का मैं यूज़ नहीं करता, मेरे को थोड़ा, मैंने पहले बीच में यूज़ करा था, पर उससे मेरे को कुछ ज़्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, दिक्कत दे रही थी काफ़ी, तो मैंने हटा दी सारी की सारी। तो अपने भाई पूरे दड़बे में यही फटिया लगी हुई हैं, ठीक है, ऊपर पट्टे हमने लगा बताते हैं भाई। अब इसकी जो छत है हमारी, देखिए ये मैंने चादरें डलवाई थी पहले टीन की, उसके ऊपर मैंने डलवा रखी है मिट्टी, ठंडी मिट्टी जो होती है ना, और उसके ऊपर ये प्लास्टर करवा रखा है,
जिससे कि क्या होता है, एक तो प्रॉपर छत की शेप आ गई है इसमें, मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई ना, चलो चाहे इस पे चढ़ के कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, टूटने उठने का आंधी तूफान से कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात ये हो गई है कि भाई ये लगवाने से अंदर ठंडक रहती है, जड़बों में ना ठंडक रहती है, वेंटिलेशन तो करवाई रखी है, दिखाता हूँ अंदर चल के। तो अब मैं आपको एक एक अपना ये नर निकाल देते हैं सारे बाहर, और अंदर से दड़बे का पूरा व्यू दिखाते हैं कि कैसे है, वहीं वहीं से नर मादिन और मतलब कैसे जो जो हिसाब किताब है अंदर से सारा दिखाते हैं। आइए, ये देखिए नर निकाल दी, जैसे कि नरों का भी दिखा दो भाई एक बारी, ये सारे भाई नर हैं जो उड़ेंगे, ठीक है। और आइए आपको अंदर से दिखाता हूँ भाई दड़बा, आइए से दड़बा मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना, ठीक है। ये भाई ऊपर टीन दो बताई गई मैंने आपको, टीन है ऊपर, ठीक है, एंगल रख के तो टीन लगा रखी है यहाँ पे सपोर्ट के लिए। ये भाई पर्चीज लगा रखी है मैंने बैठने के लिए, पट्टों की बनवाई थी मैंने। और जो सबसे मेन चीज़ है भाई वो ये जाल है, देखिए जब मैंने जाल बनवाया था ना तो उसी में से जाली बची थी, और मैंने फ्रेम करवा के मेरे दिमाग में कुछ आया खुराफाती सा, तो मैंने कहा भाई ये काम करवा लेते हैं, इससे मेरे ख्याल में काफ़ी बीमारियों से बचत हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब बीमारियों से बचाव हो जाता है इससे। और भाई वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की देखिए भाई अंदर आइए, वेंटिलेशन की एक खिड़की ये रही और एक खिड़की उसके पड़ोस आगे वो रही, ये आगे पट्टे और मादिनों वाला है जोड़ते हैं, और उससे आगे देखिए वो वेंटिलेशन के लिए वहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे मेल रहते हैं भाई, ये मेल्स का है वो फीमेल्स का है, फीमेल्स का भी दिखा देते हैं। ड्रिंकर्स वगैरह रखे रखता हूँ, दाना का भी अंदर मैं खिलाता नहीं हूँ। और उसके बाद जाल आपको दिखाई दिया है, बल्ब लगा रखा है। और भाई अपना क्या करते हैं हम लोग सर्दियों में जब बच्चे नए छोड़ते हैं तो भाई अंदर ऑल आउट जरूर लगाते हैं, ताकि मच्छरों से, दाने वानों से, जो पिजन पॉक्स वगैरह की बीमारी है उससे कबूतर बचे रहें, ठीक है। तो आइए आपको बाहर से मादिनों का शौक करवाते हैं और मादिनों वाले दरबार दिखाते हैं। तो भाइयों आइए दिखाते हैं आपको मादिनों वाला और बच्चों वाला। मादिने तो जैसे अभी उड़ा रखे हैं मैंने, ये कुछ बच्चे हैं देखिए, यहाँ पे मैंने भाई फट्टे पहले ऐसे लगाए थे सीधे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें ज़्यादा सेफ ये रहते हैं कि एक दूसरे को मार नहीं पाते कबूतर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगा रखे हैं, नीचे यहाँ पे भी जाली है, ड्रिंकर है, सब कुछ है, ठीक है। बच्चे ये रहे भाई, इस बार के कुछ बच्चे हैं पंजाबी बच्चे, जैसे तो ये पिलका देख लीजिए, वेंटिलेशन के लिए जाली थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्रॉस वेंटिलेशन हो जाती है भाई। और क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है कि इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी भाई जाली लगाने के लिए, तो यहीं पे सबसे सूटेबल थी तो यहाँ पर लगा दी हमने, ठीक है। और बाकी इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, मैं दड़ भी हमेशा खोले रखता हूँ, जाल में घूमते रहते हैं कबूतर, एक दिन नर एक दिन मादिन खुले ही रहते हैं, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो भाई ये गेट है, गेट पे भी सेम जाली है, इसलिए ज़्यादा मच्छरदानी वाली बारीक जाली नहीं है, इसमें से हवा अच्छे से क्रॉस होती रहती है, तो वेंटिलेशन की तो मेरे यहाँ पे मेरे को नहीं लगता इतनी कोई प्रॉब्लम है, पानी हमेशा अवेलेबल रहता ही है। इसका भाई सबसे जो मेन फायदा होता है ना, उसका फायदा ये होता है, एक तो गंदा दाना नीचे चला जाता है, ठीक है, दूसरा भाई जो बीट वगैरह करते हैं ना वो सीधा नीचे चली जाती है, और बीट हमेशा सूखी रहती है, गीलापन मतलब नमी नहीं रहती, मॉइस्चर नहीं रहता दड़बे में। जाली देखिए भाई प्रॉपर है, ठीक है, चढ़ बढ़ के मैं तो घुस जाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। तो इससे भाई बहुत फायदा हुआ है, जिन भाइयों को सही लगे इस तरीके से आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, फ्लोरिंग फ्लोर मैट जरूर बनाए भाई अपने दड़बे में, ये चीज़ें अवॉइड करते हैं हम लोग, पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप इस तरीके से सस्ते पैसों में, ये इसमें मेरा कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगा, जाल में जो बचा हुआ था माल वही लग गया भाई सारा का सारा, ठीक है। बस थोड़ा सा सोच का फर्क आता है, थोड़ा सा भाई चीज़ों को एडवांस कीजिए अपने दड़बों में, ठीक है। मैं नहीं कर पाता, रोज़ सफाई नहीं कर पाता था, तो इसलिए मैं एक हफ्ते में एक बार अब सफाई कर देता हूँ, और मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्यों, क्योंकि भाई बीट वगैरह तो दाना का गंदा दाना बीट वो तो नीचे पड़े रहते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम, आधी तो बीमारी से वहीं बच जाते हैं हम। तो भाइयों ये था मेरा ब्रीडिंग सेटअप, ओ सॉरी, ये था मेरा वुड फ्लाइंग सेटअप, जो भी उड़ने वाले कबूतरों का था, ब्रीडिंग सेटअप मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा अपना, जो मेरा नीचे है, और नीचे वाला जो जिसमें मैंने अपने थोड़े बीमार कबूतर या जिनकी सेवा करता हूँ कबूतरों की, एक वो सेटअप है वो भी दिखाऊंगा आपको। और ये देखिए भाई कबूतर मेरे नर खुले हुए हैं, और मादिने भाई अभी भी उड़ी रही है मेरी, सुबह 10 बजे करीब मैंने आज दूसरी बारी खोली थी मादिने। क्या टाइम हो रहा है भाई, अभी 1:15 हो रहा है ना, 1:15 बज रहे हैं भाई। दिखा देते हैं आपको बाहर से, आइए एक बारी मादिनों का शौक करवा देते हैं। दो मादिने उतरी हैं भाई, ये बैठी हुई है ऊपर जाल पे, ठीक है, ये पटियाँ हैं, एक ये उड़ रही है, और बाकी 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 तो भाई मादिने दिखी नहीं रही। वो रही भाई, वो बूंद रखी ऊपर भाई, जूम करके देखना एक बारी, दिख रही हो तो, वो रही कितनी है, चार चार 8 मादिने भाई वो टंगी हुई है ऊपर,
नहीं दिख रही? लो मैं दिखाता हूँ भाई। मे भी कैमरे में भाई आ नहीं रही, ठीक है। काफी ऊपर लगी हुई है भाई, 8 मादी ने, दो आधे में घूम रही है, कबूतर अपने खुले हुए हैं, जिनको उतरना होगा उतर जाएंगे भाई, जबरदस्ती वाली बात नहीं, क्योंकि 2-3 दिन हुए, 2 दिन हुए कबूतरों को खोले हुए, ठीक है। कैसा लगा आपने भाई का छोटा सा सेटअप, और ये कुछ कबूतर हैं अपने, बताइएगा भाई कैसे लगे, ठीक है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। और अगर आपसे आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा होता है तो कमेंट भी कीजिएगा कि भाई और कहाँ हमने कुछ गलती कर रखी है भाई, वो भी हमें बताइएगा, जिससे भाई हर कबूतरबाज को कोई वीडियो देखता है तो भाई कमेंट भी पढ़ता है, कई बंदे तो पढ़ते हैं तो उनको पता चले कि भाई हाँ भाई ये चीज़ और अच्छी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो धन्यवाद भाइयों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें भाई ब्रीडिंग सेटअप दिखाता हूँ अपना, और नए बच्चे दिखाता हूँ कौन कौन से निकले हुए हैं इस बार।